खबरों जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लखनादौन, विश्व आदिवासी दिवस आज लखनादौन में विधायक योगेंद्र सिंह बाबा की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रोजेक्टर लगाया गया जो सीधे छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वर्तमान नरसिंहपुर SDOP अर्जुन सिंह उइके ने अपने उद्बोधन में कहा, समाज के लोगों को किसी भी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कराएं, समाज के लोगों को जागरूक करें एवं स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे DL नामी ने कहा, यदि हमारे समाज के उच्च शिक्षित नौकरी पैसा करने वाले लोग समाज के 10 परिवारों को गोद लेकर उनके बच्चों को उच्च शिक्षा देने का कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा और बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ आदिवासी भाइयों ने स्कूल के लिए 1.25 एकड़ जमीन प्रदान की है। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान लखनादौन के अधिकारियों ने भी भरपूर सहयोग किया। कार्यक्रम का समापन पूर्व विधायक श्रीमती शशि ठाकुर के द्वारा किया गया। पूर्व विधायक शशि ठाकुर से पूछा गया कि भावांतर भुगतान एवं बिजली बिल को लेकर चर्चा की गई कि आदिवासियों के साथ इस तरह का छलावा वर्तमान सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है, इस पर जवाब। उनसे मैं निवेदन करता हूँ, मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, इस तनाव का सेवन ना करें। यदि आप करते नहीं हैं, आप यदि करते नहीं हैं तो अपने बच्चों से छुपा के करें। यदि आप इतने आदि भी हो गए हैं तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों से दूर रह करके करें, उनको दिखाए ना कि मैं तनाव दिया हूँ। उन्हें आभास नहीं होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ। चिंतन करें जिन परिवारों में खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे परिवारों का अगर हम सब मिलकर सहयोग करेंगे तो निश्चित आदिवासी समाज का हित होगा। खबर समय जगत के लिए सिवनी लखनादौन से निकिला अहिरवार की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।